गाइस नमस्कार, मैं प्रवीण माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आज फिर आपका दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से और दुआओं से आज हमारा चैनल 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर को पूरा कर चुका है। थैंक यू दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माइंड हिप्नोटिज्म मतलब मन पर नियंत्रण। आज का वैज्ञानिक युग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और इसमें जो मानव है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। शारीरिक श्रम कम करता है, मानसिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और मानसिक बीमारियों का शिकार होता है। ये मन ही तो है जिससे हमारे मन में कई तरह के छल, कपट, घृणा, द्वेष और प्रेम उत्पन्न होता है। ये प्रेम ही है जो 2 देशों को, 2 व्यक्तियों को आपस में मिलाता है और ये प्रेम ही है जो बड़े बड़े युद्ध करवाता है। इन सब का जो मूल केंद्र है वो है हमारा मन। ये सब हमारे मन की चित्त वृत्तियाँ हैं। यदि हम इस मन को कंट्रोल में कर सके तो अवश्य ही हम बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं और इस मन के जरिए हम एक सक्सेसफुल जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है माइंड हिप्नोटिज्म, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम आप सबके सामने हूबरू होकर अपनी नई नई टेक्निक्स को पेश करके, अपने नए नए विचारों को पेश करके आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम भर दें। इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को मैनिफेस्ट किया है, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है और हम उनके जरिए ही, उनके कमेंट्स जो वो लोग करते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वर्क, नए नए टेक्निक्स, नए नए विचार, नए नए आइडियाज लेके आए जो आपके जीवन को ज़्यादा समृद्ध बना सके। ये हमारे चैनल का विशेष उद्देश्य है। हमारी इस चैनल की टीम के सभी ही सितारे आप सबकी सेवा में दिन रात प्रयासरत हैं और आप सबका सहयोग यूं ही हमारे साथ बना रहे और आने वाले समय में हमारे इस चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर हों, ऐसी मैं दुआ करती हूँ और आप सब से हार्दिक हाथ जोड़कर दिल से विनती करती हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने हम पर लुटाया है वो प्यार सदा बरकरार रहेगा और आगे भी हमारे चैनल को ले जाने में आप सबका सहयोग, भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। हम वादा करते हैं आपसे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे चैनल के जो सितारे हैं, चमकते सितारे हैं, वो सब आपके लिए कुछ ना कुछ नई टेक्निक लेके आते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज फिर आप सबको चलते चलते एक टेक्निक बताती जाती हूँ कि कैसे हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके मात्र 2 या 5 मिनट लगाकर हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये हमेशा प्रयास रहता रहता है, काम करता रहता है, लेकिन ये ज़्यादा काम नहीं कर पाता, ओनली 5% ही यूज़ होता है। 95% सबकॉन्शियस माइंड हमारा सुप्त अवस्था में रहता है। जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं या किसी चीज़ को इमोशनली इसके अंदर डालते हैं तब ये ज़्यादा काम करना शुरू कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से और इमोशनली से हमारे विचारों को पकड़ता है और उस हिसाब से ही काम करना शुरू कर देता है। एक उदाहरण से बताऊंगी, जैसे कि हम कोई बच्चा नया नया साइकिल चलाना शुरू कर रहा है
कॉन्शियसली उस पर प्रैक्टिस कर रहा है बार बार, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ साइकिल चलाने की उसके सब कॉन्शियस माइंड में उतर जाती है, और एक समय ऐसा होता है कि वो साइकिल चलाते चलाते अपने मित्रों से बातचीत करते करते उसे पता भी नहीं चलता कि वो साइकिल चला रहा है। इसका जो मेन कारण कि जो कॉन्शियसली वो प्रैक्टिस कर रहा था बार बार रिपीट करने से वो उसके सब कॉन्शियस माइंड में उतर गया, और सब कॉन्शियस माइंड जब किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो वैसी ही हरकत वैसा ही काम हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, कहाँ से लाएं, या बच्चा कोई चीज़ की डिमांड करता है, अरे नहीं नहीं पैसे नहीं हैं, बहुत खर्च हो गया इस महीने, अगले महीने देखेंगे, महंगी है चीज़। तो बचपन से ही उस बच्चे के मन में रीप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है कि पैसे नहीं हैं, ये चीज़ महंगी है। तो आगे जाके उस बच्चे को भी वैसी ही दिक्कतें आती हैं जिस चीज़ को उस बच्चे के पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी मेरी एक सुझाव है कि अपने बच्चों के सामने प्लीज़ पैसे के लिए मत लड़िए, और उनको कभी ये बार बार मत एहसास कराइए हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, या इस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और हाँ, आप जब भी किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, एक सिंपल कागज़ लीजिए, उस कागज़ पर अपनी इच्छा को ऐसे लिखिए, मैं उस परम पिता परमात्मा का आभारी हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। मान लीजिए आप किसी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लिखिए, मैं परम पिता परमात्मा का आभारी हूँ, मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इस चीज़ को लिखिए, और लिखकर अपनी ऐसी जगह चिपका दीजिए जहाँ आपका बार बार ध्यान जाता है, फ्रिज के ऊपर, किचन में, मोबाइल पर, बैक साइड पे, पर्स पर, ताकि बार बार आप इस शब्दों को रिपीट करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ का पैटर्न बनना शुरू हो गया है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नए न्यूरॉन आपके माइंड में इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पैदा होंगे, और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति बढ़ती जाएगी, और इस शक्ति के सहारे आप यूनिवर्स से अपनी मनपसंद चीज़ को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गिल्ली मिट्टी की तरह है, आप इसे जिस रंग में ढालो, जैसी शेप बनाना चाहेंगे वैसी ही बन जाएगी। जरूरत है आप अपनी चेतना को अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ दीजिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में आपकी मनपसंद चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देवे। तो अगर आप दिन में 2 या 5 मिनट इस चीज़ का अभ्यास करते हैं, अपनी मनपसंद लिखे शब्दों को, वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, तो रेपिटेशन से ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली उतरना शुरू हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में मनपसंद चीज़ों को हासिल कर सकेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। आप सबके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, हौसला देते हैं, और हमें आपके लिए नई से नई टेक्निक लेके आने में सहायता करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी मोटिवेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।